पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने वाले परवेज खटक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नई पार्टी के कयाम का ऐलान करते हुए सवाल उठाया, तहरीक इंसाफ ने 3 से 4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए, क्या वजूहत थी, पीटीआई ने इलेक्शन कबूल नहीं किया, पीटीआई ने क्यों वक्त जाया किया, ये बहुत बड़ा राज है, जब ये राज खुलेगा सबकी आंखें खुल जाएंगी, पीटीआई का प्रोग्राम क्या था। कलदम टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार। कोर कमांडर्स के दहशतगर्दों के हाथों में जदीद तरीन असलहे पर शदीद तशवीश। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को लाहा खतरा से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहने का आजम। जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका को ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर्स का मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने का आजम। इंतखाबी असलाहात का मुसवदा तैयार। एम क्यू एम और पीपल्स पार्टी का मुतअद्दिद शिकों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। मुतहिदा की कराची की हल्का बंदी और मर्दमशुमारी पर एतराज़ात। पीपल्स पार्टी के नताइज में ताखीर पर तहफ्फुज़ात। इंतखाबी असलाहात कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने बताया, इंतखाबी असलाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है, उम्मीद है आज मुसवदे का एलामिया जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन में चंद दिन ताखीर होती है तो हो जाए, मगर इलेक्शन शफाफ, नई मर्दमशुमारी, नई वोटर लिस्ट और नई हल्का बंदियों पर हो, पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नाकाबले कबूल हैं। एम क्यू एम पाकिस्तान ने मुतालबा रख दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन जल्द कराने के बहाने चोर दरवाजे ढूंढने जा रहे हैं, इससे हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, दो बड़ों में फैसला हो चुका। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा पीटीआई को एतमाद में नहीं लिया गया। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसले पर मोहर सख्त कर दी। दो बड़ों में बात हो चुकी, बाकियों को कुछ भी मालूम नहीं, क्या बंद कमरे का फैसला आवाम पर मुसल्लत होगा। मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, आम इंतखाबात निगरान सेटअप में होंगे। इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का कहना है, 2022 में डिफॉल्ट के खतरात वाला मुल्क मिला, 2023 में मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ गया। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हमने 14 माह में मंसूबे मुकम्मल किए। इलेक्शन अक्टूबर में ही होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू, कहा अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी ही होंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी वाहिद जमात होगी। कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास ही अखाड़ा बन गया, शोर शराबा हंगामा और फिर हाथापाई, इजलास 1 घंटा भी ना चल सका। हाफिज नईम रहमान ने वान में नारे लगवा दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, शहर पर कब्जा किया गया, हम अदालत जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का भी जवाब, कहा हाफिज नईम फिरौन बने बैठे थे, चाहता तो इन्हें माइक तक ना देता। गार टेस्ट में पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर फ्लॉप, इमामुल हक, अब्दुल शफीक, शान मसूद, बाबर और सरफराज फेल। साउथ शकील और सलमान अली आगा ने सहारा दिया, दोनों की निस सेंचुरियां दोनों ही क्रीज पर मौजूद। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 312 रन पर आउट हो गई। और मानसून बादल एक और इनिंग्स के लिए तैयार, बलाई और वसती इलाकों में सुबह से बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर शहरों में तेज बारिश का इम्कान।